तो शुएब अख्तर साहब जो आसिफ अली के लिए कोई बुराई आज तक नहीं करके गए, वो ले आए एक नई बात, कहते हैं विराट को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। हम जिस तरीके से वो हारे ना, मतलब हलवा गरम गरम था, मुंह के अंदर चला गया था, और वो हमारी यहाँ पार्टी शार्टी का सीन ऑन था। क्यों भाई, यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विराट नहीं होता तो पाकिस्तान मैच जीत गया था? लेकिन वक्त बदल के, हालात बदल गए, विराट कोहली ने पार्टी खराब कर दी। अंधे पानी बंद किए हुए ना भाई, इंडियन ब्रॉडकास्टर ले नहीं रहा इनको। अच्छा अच्छा, इसलिए आप सब अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं उधर के भाई, और कुछ भी नहीं है। अब शाहीन याद आ गया, फिट नहीं है, जल्दी कर दी। शाहीन फिट नहीं था तो भीगा पाकिस्तानी, पहले बताते ना। तुमने ऐसी की तैसी कर देनी थी वहां। लेकिन अरे माइकल क्लार्क आए हैं, रिकी पोंटिंग आए हैं, हर बंदे ने विराट कोहली की तारीफ किया। मुझे यार ये वो क्या कह रहे थे रमित राजा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मरना मेरा बड़ा ख्वाब है। अबे ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे इतना बड़ा एल दिया है कोहली ने, ठीक है अभी कोहली का एल इतना मुश्किल हो गया कि रातों की नींद बिगड़ी हुई है, जब बैठो यूट्यूब के ऊपर यही नजर आ रहा होता है कोहली का एल, कोहली का अभी इतना बड़ा मारा है उसने। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि विराट कोहली इतना अच्छा कैसे खेल गया और कैसे उनकी बखियाओं का उधेड़ के रखती। चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते इसके ऊपर आगे। विराट कोहली के दो छक्कों जैसा छक्का इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा। मैं नहीं कहता, रवि शास्त्री कह रहे पकड़ लो, सिर्फ एक छक्के को मैच कर रहे हैं वो उससे, जो मारा था सेंचुरियन में 2003 के वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर को सचिन तेंदुलकर साहब ने, और कह रहे हैं कि किसी के बाप ने ऐसा छक्का नहीं मारा ना इंडिया में किसी प्लेयर ने। इसका मतलब वो ये शटअप कॉल दे रहे हैं कि इंडिया में किसी को हक नहीं है किसी प्लेयर को कि वो विराट कोहली पर क्रिटिसिज्म करे। अब आपको आगे लेके चलता हूं। तो शोएब अख्तर साहब जो आसिफ अली के लिए कोई बुराई आज तक नहीं करके गए, वो ले आए एक नई बात, कहते हैं विराट को T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। T20 क्रिकेट छोड़ दे और वनडे में अपनी एनर्जी लगाए, उसमें 100 बनाए। क्यों भाई, यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विराट नहीं होता तो पाकिस्तान मैच जीत गया था? यानी इसके पीछे भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि यार मैं किस तरह से पाकिस्तान ये मैच हार गया। क्या विराट कोहली का दुनिया आज बात कर रही है। मिचेल मार्श है, उन्होंने कहा जी के पहले तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, वो कहते हैं ऐसा मैच ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा मैच नहीं हुआ। रोक दो, शोएब अख्तर के साथ यूएई के अंदर जो कुछ मैचेस हो रहे थे वहां पर इस झूठे आदमी ने, झूठा आदमी मैं इसलिए कहूंगा कि सच बोलने की हिम्मत ही नहीं। मैं कल भी कह रहा था कि भाई आसिफ अली का बता, तेरे मुंह से आसिफ अली को सुन के अच्छा लगेगा। उसको क्यों बचा रहे, क्या पैसे पकड़े में कोई कमीशन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है क्या यार? भाई तुम सब छोड़ के तुम इसके पीछे बढ़ जाते हो। अबे विराट कोहली को तो सब जानते हैं, तुम क्यों TRP ले रहे हो यार? तुम क्यों ले रहे हो? जब गिर रहा था जब लेते ना, तुम तो उस टाइम मशवरे दे रहे थे घंटे से, और यू वो छोड़ दो और खत्म हो गया, बेकार है और अब वापिस नहीं आएगा, और यू और नहीं आएगा। अबे ये बताओ कि तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा छक्का कैसे मार लिया उसने? हाँ। तुम तो कहते थे कि तेंदुलकर ने इससे अच्छा छक्का कि कभी कोई नहीं मार सकेगा। आज ये सब तेंदुलकर खुद कह रहे हैं कि इससे अच्छा छक्का तो मैंने भी नहीं देखा। मतलब यार, और स्पेशली अंडर प्रेशर, हम जिस तरीके से वो हारे हैं ना, मतलब हलवा गरम गरम था, मुंह के अंदर चला गया था, ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पार्टी शार्टी का सीन ऑन था, लेकिन उन्होंने विराट ने जो वो टोटल पार्टी में जो हमारा पानी फेर दिया। अबे अपने घुटने की बता ना तू कहानी यार। हाँ। या आसिफ पोंके की कहानी बता। ये क्या तू उधर विराट कोहली को गोद में लेने के चक्करों में, विराट किसी की गोद में आने वाला बच्चा नहीं है। हाँ, लेकिन शास्त्री का तो वो अच्छा दोस्त था, दोस्त था छोटा यार। आप समझे नहीं, मैं शास्त्री पे इसलिए लानत दे रहा हूँ भाई, तेरे को जरूरत क्या है मुंह से बात। तो शास्त्री वैसे भी किसी की गोद में कैसे आएगा, इतना लंबा तो है। शास्त्री तो हमेशा 9 महीने की गोद कर देते हैं भाई किसी की भी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम खामोश हो जाओ, वरना ये तो बेकारी के लोग हैं, ये तो TRP लेते हैं। नहीं, ये तो शोएब अख्तर ने कौन सा मशवरा दे डाला, इसमें भी तो आ जाए कि T20 छोड़ दो। धंधे पानी बंद किए हुए ना भाई, इंडियन ब्रॉडकास्टर ले नहीं रहा इनको। अच्छा अच्छा, इसलिए आप सब अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं उधर के भाई, और कुछ भी नहीं है। अब शाहीन याद आ गया, फिट नहीं है, जल्दी कर दी। शाहीन फिट नहीं था तो भीगा पाकिस्तानी, पहले बताते ना। तुमने ऐसी की तैसी कर देनी थी वहां पर। मैं देखता हूँ कैसे खेलेगा। तुम पाकिस्तान से पहले तो खिलवा देते हो सब उस रहे के, और जब वो बच्चा फंस जाता है परफॉर्म नहीं कर पाता तो उसके कपड़े फाड़ने के चक्करों में, ये तुम सब कर रहे हो मिलके यार। मैं एज अ फैन अगर बोलता हूँ शाहीन छापरी जी के ऊपर तो मेरी कहले की थिंकिंग है। तुम लोगों ने तो पाकिस्तान को खाया है मिलके यार। तुम लोगों को 2-3 साल पहले तक, 5-4 साल पहले तक, जब तक इंडियन क्रिकेट में दरवाजे खुले थे, आओ IPL में कोचिंग कर दो, तो इधर बैठ के कमेंट्री कर दो, जब तक तुम्हें पाकिस्तान की क्रिकेट में डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स के नाम भी नहीं मालूम होते थे भाई। और अभी भी तुम लोग रहमानुल्लाह गुरबस को जो बॉल पर
पांव पर बॉल मारी शाहिन शाह आफरीदी ने, उसके अलावा तुम कोई बात ही नहीं कर रहे थे। ये तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये जो इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ये विराट कोहली ने जो 17 रन का ओवर खेचा है, 5 बॉलों पे 15 बनाया, उसके बाद तुम्हें याद आ गया शाहिन इज नॉट लुकिंग फिट। इतने फाके इनको पड़ गए कि कल ये कह रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर मैं फैन से सुपर चैट लूंगा। अबे भीख मांगने पर आ गए, आखिर तुमने भी वही दिखा दिया कि भीख मांगनी है तुमने भी है लोगों से, लोगों के पकड़ पकड़ के लटकना है, यू यू करके बैठना है कि लो दे दो है, मतलब ये कौन सी बदकारी है यार। नहीं, वो लोग किस मुंह से तारीफ कर रहे हैं विराट की, जो कह रहे थे यार माजरत के साथ विराट को तो टीम में नहीं होना चाहिए T20 की, अभी इसको टीम से निकाल दिया तो कहीं पहले राउंड से छुट्टी ना हो जाए। नहीं, करार क्यों नहीं आ रहा, किसी को बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही, रोना धोना ठंडा क्यों नहीं पड़ रहा, यानी कि तसल्ली और तशफी क्यों नहीं हो रही है। मार दिया, ठोक दिया, दे दिया पूरा, उसने नींदें उड़ा दी लोगों की यार, और क्या चाहिए। उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जुमेरात को जिम्बाब्वे से लेना कौन सा है भाई इन्होंने, पर्थ में मैच है इनका, देख ले क्या चल रहा है, इंडिया का नेदरलैंड से पर्थ में क्या चल रहा है, पर्थ में पाकिस्तान का मैच है। मैं आपको समझा दूं, मामला खराब है, बाउंस अच्छा है, तो जिम्बाब्वे पे बहुत जल्दी भी आउट हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप फनकारियां नहीं करो, आप शबखून मारने की ट्राई मत करो, दोस्ती यारी दिखाने की कोशिश मत करो, अब एनालिसिस का पिंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश मत करो भाई। तुम्हारे मुंह से निकली हुई सारी चीजें हमें बताएं, तुम्हारे घुटने से तो पाकिस्तान को हार मिली है। नहीं, विराट का घुटना खराब थोड़ी है, विराट तो अपनी टीम के सबसे नौजवान खिलाड़ी के साथ जब भाग रहा है तो उससे डेढ़ गुना तेज है, कम से कम डेढ़ गुना तेज है, और शायद डबल। मुझे तो ऐसा लगता है कि हार्दिक वगैरह के साथ विराट 2 रन ले लेगा, ये 1 रन लेके ही घूमेंगे इतनी देर में। तो भाई को अनफिट थोड़ी है कि उसको तुम फॉर्मेट छोड़ने का। अरे भाई, रवि भैया शब्बू भैया को मैसेज करके बोले कि भाई अपनी लल्लो को काबू में रखो वरना केस ली जाएगी पकड़ के, आप बोलना फजूल है। लेकिन वक्त बदल के, हालात बदल के, विराट कोहली ने पार्टी खराब कर दी। लेकिन अरे माइकल क्लार्क आए हैं, रिकी पॉन्टिंग आए हैं, हर बंदे ने विराट कोहली की तारीफ किया, जितने अखबार थे फ्रंट पेज पे विराट की तस्वीर बनी हुई है। चेचक फैला दिए कोहली ने, मतलब ऐसी कर दिए, चीकू ने मेरे ऐसा मारा है पकड़ के, ऐसे आदमी को मारा है पकड़ के कि लोगों को करार ही नहीं आ रहा, मतलब इतना तो पुलिस भी नहीं मारती होगी। लेकिन मेरे अश्विन ने जो आखिर में अप एंड ओवर चौका मारा एफर्टलेस, वो भी फिनिश थी कार्तिक की हरकत के बाद। कार्तिक शुक्रिया अदा कर रहा है उसका कि यार अश्विन तुमने बचा लिया आखिरी बॉल पर यार, वरना विराट तो आके मुझे डंडे से मारता। लेकिन हकीकत यह है कि हम भी हारे तो अपनी गलतियों की वजह से हारे, दुख इसलिए हमें ज्यादा होता है अली, शायद ये मैच भूल जाता, लेकिन अभी तक हार 2-3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये हार का जो गम है ना ये खत्म नहीं हो रहा। अगर वो उनकी खुशी खत्म नहीं हो रही तो हमारा गम खत्म क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको वजह बताता हूं, खत्म क्यों नहीं हो रहा दुख इसलिए नहीं हो रहा, मैथ्यू हेडन है तो पाकिस्तान का कोच, मगर वो उनको ये नहीं सिखा रहा बेटे टीम में रहोगे तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, समझ रहे दोस्ती ऐसे कमाने, मामू गिरी फुप्पा गिरी चच्चा गिरी नहीं चलेगी भाई, सीजन मनाने आया है मैथ्यू हेडन खाली, अभी मैथ्यू हेडन कहीं नोट बनाने के लिए आया, उसको भी पता है मशीन लगी हुई है यहाँ पे सारे जुगाड़ी भरे हैं, मैं भी भर जाऊंगा उसके अंदर। देखें एक बिलीफ तो मुझे नजर आता है, देखें इंडिया से एल लेने के बाद ये अगर अगर ये अब भी अपने अपने पे ट्रस्ट अब कॉन्फिडेंस करके नहीं खेले तो बहुत ही मुश्किल है इनका। मुझे यार ये वो क्या कह रहे थे रमित राजा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारना मेरा बड़ा ख्वाब है, अबे ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे इतना बड़ा एल दिया है कोहली ने, अभी तो कोहली ने दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दिया, ठीक है अभी कोहली का एल इतना मुश्किल हो गया कि रातों की नींदें बिगड़ी हुई है, जब बैठो यूट्यूब के ऊपर यही नजर आ रहा होता है कोहली का एल, कोहली का एल। अबे आपने उनके 10 ओवर में उनको खामोश करके रखा, विराट कोहली की पहले 23-24 बॉलों पर रन नहीं बनाने दिया आपने, एक बाउंड्री नहीं कंसीड की, ये चीज थी। उसके बाद 10 ओवर में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, समय बदल गया, इसलिए वो दुख हो रहा है। मैं तो वो 3 ओवर 48 रन सोचता हूँ ना तो मुझे मेरा दिल दुखता है।